दोस्तों, समुद्र की दुनिया बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे जीव होते हैं जिनमें कुछ तो काफी शांत स्वभाव के होते हैं तो वहीं कुछ अजीब और काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दुनिया कुछ ऐसे ही समुद्र में रहने वाली खतरनाक और अजीब मछलियों के बारे में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, पफर फिश, जिसे ट्वेल फिश या ब्लो फिश भी कहा जाता है। यह मछली अपनी अजीब हरकतों के लिए जानी जाती है, जो अपने शरीर को हवा और पानी के साथ इतना फुलाती है कि गोलाकार बन जाती है। यह मछली मुख्य रूप से समुद्र में पाई जाती है। इसके शरीर में कांटेदार खाल और जुड़े हुए दांत होते हैं, जो कि इसे इंसानों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। यह मछली लगभग 90 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। हमारे 9वें नंबर पे रेड लॉयन फिश, यह मछली बिच्छू जैसा ही देखता है, जिसके शरीर पे जेब्रा जैसे पैटर्न बने होते हैं। यह मछली अपने जहरीले फिन स्पाइन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि इंसानों के लिए काफी खतरनाक होते हैं। इस मछली में बढ़े हुए पेक्टोरल पंख और लंबी रीढ़ होती है। जब इस मछली को परेशान किया जाता है या इसको कोई खतरा महसूस होता है, तब यह अपने विषैले कांटेदार पंख फैलाती है और हमला कर देती है। इस मछली के 12 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से रेड लाइट फिश सबसे फेमस है। यह फिश लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। हमारे 8वें नंबर पे है केडीरू। केडीरू ब्राजील के अमेजन नदी क्षेत्र में पाए जाने वाले एक स्केलेस परजीवी कैटफिश है। यह प्रजाति पारभासी और ईल के जैसा होता है और लगभग 1 इंच की लंबाई तक बढ़ सकता है। यह रक्त खाने वाला एक परजीवी है, जो अन्य मछलियों के गिल्स में पाए जाते हैं। यह मछली इंसानों पर भी हमला कर देती है। जैसे ही कोई इंसान या जानवर पानी में उतरते हैं, तो यह छोटा सा मछली मूत्राशय द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, जो इंसान की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। हमारे 7वें नंबर पे ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क को व्हाइट पॉइंटर भी कहा जाता है। यह दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध है कि इसकी कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समुद्र में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली और खतरनाक शिकारियों में से एक है। ग्रेट व्हाइट शार्क गोताखोर, तैराकों, सर्फर और कभी कभी छोटे नाविकों पर हमला कर देते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क इंसानों पर एक बार हमला करने के बाद दोबारा हमला करने के लिए शायद ही लौटते हैं, लेकिन इसके हमले का घाव इतना भयानक होता है कि ज्यादा खून बहने की वजह से मौत भी हो जाती है। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले के बाद भी जिंदा हैं, लेकिन उनके जीवन में इसका बहुत बड़ा असर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट में ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले की समीक्षा से पता चलता है कि 7% हमले घातक थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों में यह आंकड़े 20% से अधिक मृत्यु दर दिखाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में हुए हमलों में मृत्यु दर 60% दर्ज की गई है। हमारे 6 नंबर पे मोरे ईल। दोस्तों, मोरे ईल की लगभग 80 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जो समुद्र में पाई जाती हैं, जहां ये चट्टानों और चट्टानों के बीच उथले पानी में रहती हैं और दरारों में छिपे रहती हैं। मोरे ईल अन्य ईलों से छोटे और गोल होती हैं। इसकी त्वचा मोटी, चिकनी और पपड़ीदार होती है, जबकि मुंह बड़ा होता है और जबड़ा मजबूत और नुकीली दांतों से सुसज्जित होते हैं, जो उन्हें अपना शिकार पकड़ने में सक्षम बनाती है। साथ ही अपने दुश्मन को गंभीर रूप से घायल बना सकती है। मोरे ईल इंसानों द्वारा परेशान होने पर ही इंसान पर हमला करती है। यह बहुत ही शातिर शिकारी होती है तथा इसकी लंबाई लगभग 5 फीट तक होती है। हमारे 5वें नंबर पे टाइगर फिश। दोस्तों, टाइगर फिश की बहुत सी प्रजातियां हैं। टाइगर फिश को पकड़े जाने या खतरे की आभास होने पर बहुत ही खतरनाक और हिंसक रूप ले लेती है, इसलिए इसको टाइगर फिश का नाम दिया गया है। यह मछली अपने खंजर जैसे नुकीले दांतों के लिए प्रसिद्ध है, जो तैराकों को गंभीर चोट पहुंचाती है। इस मछली की लंबाई और इसके ऊपर बने धारियों के आधार पर इसकी प्रजातियों को चिन्हित किया जाता है। इसके 5 प्रजातियों में से गोलियत टाइगर फिश 6 फीट लंबा और वजन में 57 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं विटाटस टाइगर फिश 1 फीट लंबे हो सकते हैं। यह मछलियां ज्यादातर अफ्रीका के कांगो और जाम्बिया में पाए जाते हैं। हमारे 4वें नंबर पे है पिराना। पिराना बहुत ही भयानक और खतरनाक मांसाहारी मछली है, जो दक्षिण अमेरिका के नदियों और झीलों में पाई जाती है। दोस्तों, इस मछली के 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है और हर प्रजाति बेहद क्रूरता के लिए जानी जाती है। इस मछली की भयानक क्रूरता 1978 में बनी हॉलीवुड मूवी पिराना में दिखाया गया है। पिराना की अधिकांश प्रजातियां 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। इसके जबड़े बहुत ही मजबूत और दांत त्रिकोणीय खंजर जैसे तेज होते हैं, जिसकी वजह से ये पलभर में अपने शिकारों को काफी ज्यादा घायल कर देती है। दोस्तों, पिराना की सबसे ज्यादा प्रजातियां अमेजन नदी में पाए जाते हैं। वैसे तो पिराना की सभी प्रजातियां बेहद खतरनाक होती है, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक रेड बिलाइड को माना जाता है, जो 50 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और 100 से ज्यादा की संख्या में समूह बनाकर आक्रमण करती है। हमारे 3रे नंबर पे स्टोन फिश। दोस्तों, स्टोन फिश समुद्र में पाए जाने वाली एक सबसे जहरीली मछलियों में से एक है, जो इंडो पैसिफिक के उथले पानी में पाई जाती है। यह मछली बहुत ही सुस्त और आलसी होती है, जो समुद्र के तल या चट्टानों के बीच में पाई जाती है। इस मछली का शरीर चट्टानों के जैसे ही उबड़ खाबड़ खाल के बने होते हैं। यह मछली समुद्र की दुनिया में काफी रहस्यमय मानी जाती है। दोस्तों, इस मछली के 13 स्पाइन होते हैं और सभी जहर से भरे होते हैं। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बूंद जहर से ही हजारों लोगों को खत्म कर सकती है। यह मछली अपने परिवेश के साथ अपने रूप और रंग को भी परिवर्तन कर सकती है, जिसकी वजह से इसे देख पाना या ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। गलती से भी आप इसके ऊपर हाथ या पैर रख देते तो यह अपने नुकीले पंखों से आपको घाव लगा सकती है और घातक जहर इजेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, अगली बार आप समुद्र के किनारे जाएं तो संभल कर किसी पत्थर पे पैर रखें। हमारे 2रे नंबर पे है बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश समुद्र की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है और इसे समुद्र के सबसे
जहरीला जीव भी माना जाता है। इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इंसान की मिनटों में ही मौत का कारण बन सकता है, और बच भी जाए तो इसके डंक से छोड़े गए निशान जीवन भर बने रहते हैं। बोहक जेलीफिश का जहर इंसान के हृदय के धड़कन को रोक देती है। जब यह हमला करती है तो हृदय की धड़कन कम कर देती है। इस मछली का डंक बेहद ही दर्दनाक और पीड़ादायी होता है। और हमारे इस लिस्ट के एक नंबर पे है इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल एक बहुत ही खतरनाक मछली है जिसके शरीर पे इलेक्ट्रोलाइट्स नाम के 6000 से ज्यादा कोशिकाएं होती है, जिसकी मदद से यह अपने शिकार को एक शक्तिशाली बिजली के 330 से लेकर 650 वोल्ट का झटका दे के अचेत कर देती है। यह मछली 3 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 22 किलोग्राम तक हो सकता है। यह मछली दक्षिण अमेरिका के ताजे पानी और अमेजन के बेसिन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे वो नॉलेज चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।